स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है वेव्स। वेव्स आर डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू मीडियम विद रेगुलर वाइब्रेशंस और ऑसिलेटरी मोशन। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किसी भी मीडियम में विद रेगुलर वाइब्रेशंस, इसको बोलते हैं वेव्स। वेव्स की एग्जांपल्स हैं जैसे वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स एटसेट्रा। सिस्मिक वेव्स उनको बोला जाता है जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, और जो वेव का हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं पीक। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड पीक या क्रेस्ट, और लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वेव का उसको ट्रफ बोला जाता है। वेव मोशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। वेव्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ये लाइट आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और यहाँ से ये लाइट वापिस आ जाती है, और ये कोई नॉर्मल है। तो अगर कोई रे किसी सरफेस पे जाती है और वहां से बाउंस बैक हो जाती है, अंदर नहीं जाती यानी वापस पीछे आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे जो जिस एंगल से इंसिडेंट रे पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है बैक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पे हमने लिखा है इसको। एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पीछे को आ रही है वापस, और ये इसके ऊपर पड़ रही थी। इंटरफेरेंस तब बोलते हैं जब एक रे के ऊपर दूसरी रे सुपर इम्पोज करती है खुद को, और ये दो तरह की हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। अब हम बताते हैं कंस्ट्रक्टिव कौन सी। ऊपर इम्पोज करने वाली वेव का क्रस्ट पहले वाली वेव के क्रस्ट के साथ है और सिंक कर रहा है, और रफ ट्रफ के साथ सिंक कर रहा है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जो ये काम कर रही है, जैसा ये कर रही है वैसा ही वो भी कर रही है सेम। और इसके बिल्कुल उल्टा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। इसमें ऐसा होता है कि जो पहले वाली वेव है उसके क्रस्ट के साथ इसका ट्रफ इम्पोज सुपर इम्पोज हो रहा है, और इसके ट्रफ के साथ इसका क्रस्ट, ये इस तरह। अब एब्जॉर्प्शन, जो वेव्स होती हैं उनकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है सरफेस पे, और इसकी वजह से इनकी टाइप ऑफ एनर्जी चेंज भी हो सकती है। रिफ्रैक्शन, जब एक रे अपना मीडियम चेंज करती है तो वो बेंड हो जाती है, या वो अपनी जो है स्पीड को चेंज कर देती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है डेंसिटी पे मीडियम की। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक लाइट एक छोटे से होल से निकल के स्प्रेड कर जाती है पूरे में, इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन। या फिर सामने कोई ऑब्स्टेकल होती है लाइट के, तो वहां से वो बेंड होकर दूसरी तरफ जाती है, वहां पे भी फैल जाती है वो लाइट आसपास के। एग्जांपल लेते हैं हम, एक बिल्कुल अंधेरा सा कमरा है और वहां पे आपने एक ये कोई टॉर्च है आपके पास, बिल्कुल अंधेरा कमरा, आपने इस टॉर्च को ऑन कर दिया, तो होना क्या चाहिए कि जितना टॉर्च का अपना सर्कमफ्रेंस है उतनी ही लाइट जानी चाहिए, ये इतनी ही जानी चाहिए हर जगह पे, इतनी ही लाइट जहां पे जा उस। लेकिन हुआ क्या, आपने ये टॉर्च ऑन करी और लाइट इस तरह की। अ वेव ऑसिलेटिंग इन वन प्लेन और डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइज्ड वेव। एक ऐसी वेव जो सिर्फ एक ही प्लेन में या एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करे उसको पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। ये सर्कुलर पोलराइज्ड भी हो सकती है और प्लेन पोलराइज्ड भी हो सकती है, और आजकल पोलराइजेशन फिल्टर यूज किए जाते हैं इस पर्पज के लिए, पोलराइजेशन फिल्टर।
डिस्पर्शन क्या होती है? डिस्पर्शन होती है जब एक लाइट अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है। जैसे प्रिज्म में अगर हम व्हाइट लाइट को डालें तो वहां से 7 रंगों में ये ब्रेक हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो तरह की वेव्स होती हैं। ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जब ऑसिलेशन जो होती है पार्टिकल्स की वो उसी डायरेक्शन में होती है, उसी जिस डायरेक्शन में वेव की अपनी प्रोपेगेशन, जिस जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी के पैरेलल होती है उनकी ऑसिलेशन मूवमेंट भी पार्टिकल्स। और साउंड वेव जो है वो क्लासिक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव्स जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम में वो वाइब्रेट करते हैं प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर में, जिस जिस डायरेक्शन में लाइट खुद प्रोपेगेट कर रही है या जो रे है वेव है वो खुद प्रोपेगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं रेगुलरली, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो जैसे कि लाइट है, ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स की अगर हम डिफाइन करें तो साउंड वेव होती है द वेव विच इज एन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड लिक्विड और गैस कंपोज्ड ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद इन द रेंज ऑफ हियरिंग। ऐसी फ्रीक्वेंसीज की कंपोज करी हुई होती है ये ऑसिलेशन जो कि हियरिंग की रेंज के अंदर आती है। इंसानों के लिए हियरिंग की रेंज के अंदर वही चीजें जो उनको सुनाई देती हैं। और यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ सॉलिड लिक्विड या गैस बोला हमने, हमने वैक्यूम नहीं बोला। दैट मीन्स कि जो साउंड वेव्स होती है उनको वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर पाते, उनको हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड वेव्स ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन नेचर। साउंड वेव्स जो होती हैं वो बिहेव कर सकती हैं ट्रांसवर्स वेव्स का भी सॉलिड के अंदर, और गैसेस प्लाज्मा लिक्विड इन सब में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही रहती हैं। और एक फिर से नोट करने वाली बात यह है कि सॉलिड्स के अंदर साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल बिहेव करती हैं। ओके, साउंड वेव के पार्ट्स एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड की बात करें तो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम फ्रॉम मेन पोजिशन। एक मेन पोजिशन से कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की है उस पार्टिकल ने, उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल ने, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम द हाइट ऑफ वेव, मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, और इफ साउंड इज मोर देन द एम्पलीट्यूड इज मोर फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कर रहा है वो पार्टिकल, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय एन, और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। और वेवलेंथ क्या होते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है लैम्डा का सिंबल। साउंड वेव की प्रॉपर्टीज ज्यादातर लॉन्गिट्यूडनल होती है कॉमन नेचर में। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में 332 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, 332 मीटर पर सेकंड। और इंसानों के लिए जो ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी की वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20,000 हर्ट्ज तक, 20 to 20 किलो हर्ट्ज। ओके, और इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता। साउंड वेव्स जो हवा में चलती हैं सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जो भी वाइब्रेशंस ऑर्गन पाइप्स में होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। वाइब्रेशंस हवा की जो कॉलम्स में होती हैं अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर वो भी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। और मटेरियल मीडियम बहुत मैंडेटरी होता है साउंड वेव्स के लिए, प्रोपेगेशन के लिए इसकी।
ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते। ये एग्जांपल है, जैसे जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। एक कहानी यहाँ पे बना हुआ ताकि आपको याद रहे कि जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स लाइट वेव्स होती हैं, इनको आंखें देख सकती हैं। स्पेशली इसीलिए बनाया गया है ताकि हमें याद रहे कि लाइट यानी आई साइट से रिलेटेड है और लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स हियरिंग से रिलेटेड है। लाइट वेव्स यूजुअली रिफर किया जाता है विजिबल लाइट को, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है ये इंफ्रारेड यानी लॉन्ग वेव्स के और अल्ट्रा वायलेट यानी शॉर्ट वेव्स के बीच में फॉल करता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, दिस वेवलेंथ मीन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रफली 430 to 750 टेट्रा हर्ट्स। ये जो वेवलेंथ में हमने बोली 400 से लेके 700 नैनोमीटर्स ये होती है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो होगी 430 से लेके 700 टेट्रा हर्ट्स। स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये देखिए आप शॉर्ट वेव्स हैं यहाँ पे होते 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 लॉन्ग वेव्स हो जा रही है। ये रेड जो होती है वो लॉन्ग वेव्स, इस तरफ जो है ये आप देख पा रहे इंफ्रारेड रेडियो, ये सारी लॉन्ग वेव्स होती हैं और हमारी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ, विजिबल स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ जो है ये अल्ट्रा वायलेट एक्सरेज, ये गामा रेज, ये बहुत ही शॉर्ट वेव्स होती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लाइट के बारे में कि जो लाइट फॉर्म्स ऑफ मूविंग एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ अ मूविंग एनर्जी मेड ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बनी होती है जिनको फोटॉन्स बोलते हैं। और साइंटिस्ट लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताते हैं क्योंकि दे मेक अप व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब बोथ, जिस वेव्स आर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, तो ये कहने का मतलब। ओके, और अब कुछ एमसीक्यूज। जब एक साउंड वेव एयर से वाटर में रिफ्रैक्ट हो रही है, अपना मीडियम चेंज कर रही है, तो इन इनमें से कौन सा अनचेंज रहेगा, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ वेलोसिटी नन ऑफ अबव। यू थिंक व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या वेवलेंथ सेम रहेगी, क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, क्या वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। डू इट योर सेल्फ। बैट जो होता है वो अपने रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल का या अपनी शिकार का डिस्टेंस, डायरेक्शन और नेचर और साइज सब कुछ पता कर लेता है रात में, और ये पॉसिबल हो पाता है रिफ्लेक्शन से ऑफ एमिटेड लाइट, एमिटेड रेडिएशन होती है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन हुई तो मतलब किसी चीज पे पड़ के वो रेस वापिस आई है, अभी रिफ्लेक्ट हुई है, तो जाहिर है ये जो रेस है ये बैट से गई होंगी और बैट के पास वापिस आई होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो दो ऑप्शन है ये हो गए गलत, क्योंकि ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पहले ही इमिट होती और ऑब्जेक्ट के पास वापस रिफ्लेक्ट होके आती तो ऑब्जेक्ट को क्या पता, उसने थोड़ी पता करना है कि कहाँ पे मेरा शिकार है, कहाँ पे क्या है। बैट ने पता करना है, बैट को दिखाई नहीं देता, उसने देखना है, उसको पता करना है कि कौन सी चीज है, मेरे रास्ते में कुछ आ तो नहीं रहा है, मैं टकरा तो नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली बैट से कुछ रेस इमिट होती हैं और वो उस हर तरफ जाती हैं और जहां भी कोई चीज होती है वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और उसको पता चल जाता है कि किस तरफ कौन सी चीज है, किस तरह की चीज है, कितने डिस्टेंस पे है। इन बाकी रह गए दो ऑप्शन, आप इन दोनों में से डिसाइड कर लीजिए कौन सा सही है। इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर मतलब फ्री स्पेस के अंदर, खाली एम्प्टी जो स्पेस है वैक्यूम बोलते हैं उसको, उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, क्या वेवलेंथ पे डिपेंड करती है
क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, या फिर इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। डू इट बाय योरसेल्फ। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, इंसानी कान की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है सुनाई देने की जो रेंज वो कितनी है? 20 हर्ट्स टू 200 हर्ट्स, 2 हर्ट्स टू 20 हर्ट्स, 200 टू 2000 हर्ट्स, या 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। 20,000 हर्ट्स मीन्स 20 किलो हर्ट्स।